अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस बार की थीम स्वास्थ्य के लिए योग है। कल से 18 प्लस वालों का देश भर में होगा फ्री वैक्सीनेशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पीएम मोदी का नया एनिमेशन जारी। लोगों को दिया गया योग का मंत्र। कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा विश्व योग दिवस। कोरोना संक्रमण के चलते वर्चुअली मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूपी सरकार ने की खास तैयारी। लोगों को जागरूक करने के लिए योगा डे चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन। विजेताओं को मिलेगा इनाम। यूपी में कल से निशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 18 प्लस को फ्री में लगेगा टीका। सीएम ने कहा 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य। घर घर दी जाएगी दस्तक। लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में हुई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे पर भी हुई बात। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को पास करने का फॉर्मूला जारी। 12वीं के लिए हाईस्कूल के 50%, कक्षा 11वीं के 40% और 12वीं के प्री बोर्ड के 10% अंक शामिल किए जाएंगे। हाईस्कूल के लिए कक्षा 9वीं के 50% और 10वीं प्री बोर्ड के 50% अंक शामिल किए जाएंगे। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। 500 से ज्यादा केस होने पर छूट होगी खत्म। स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश सरकार सोमवार से कोरोना प्रतिबंधों में दे रही ढील। कल से मॉल और रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की तैयारी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए बन रहा कानून का मसौदा। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सुविधाओं में कटौती होगी। सरकारी योजनाओं के लाभ से भी किया जाएगा वंचित। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार होने का साधु संतों ने किया स्वागत। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा मुसलमानों पर लागू होना चाहिए कानून। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 25 जून को कानपुर का दौरा। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह पहला मौका है जब वो अपने गांव परोख जाएंगे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए गए। बलिया में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा ये दोनों पार्टी टीम ए और बी है। दोनों को क्षेत्रीय दलों से परेशानी है। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को बनाया गया बीजेपी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष। गीता शाक्य ने खुशी जाहिर की। बलिया से सपा ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया। सपा कार्यालय पर हुआ स्वागत समारोह का आयोजन। बलिया में बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह ने अंबिका चौधरी पर निशाना साधा। कहा अंबिका चौधरी पर पार्टी से विश्वासघात किया। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलते ही लोग लापरवाह हुए। चंदौली में वीकेंड पर सैकड़ों लोग पर्यटन स्थल लतीफ शाह डैम पहुंचे। डैम की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की कतार लगी। 11 जुलाई से उत्तराखंड वासियों के लिए शुरू होगी चारधाम यात्रा। सरकार का ऐलान 1 जुलाई से स्थानीय जिलों के लोग कर सकेंगे दर्शन। RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य। उत्तराखंड में 30 जून तक बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू की अवधि। इस बार हफ्ते में 5 दिन खुल सकेंगी दुकानें। शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत चुनाव में ज्यादा उपलब्धियां गिराने के पक्ष में नहीं। तीरथ सरकार की तारीफ की। त्रिवेंद्र के कार्यकाल पर सारी चुप्पी। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने से अलर्ट मोड पर प्रशासन। उधम सिंह नगर के खटीमा में यूपी बॉर्डर पर लोगों का किया जा रहा कोरोना टेस्ट। हरिद्वार में गायत्री पीठ शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीएम तीरथ वर्चुअली शामिल हुए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया उम्मीद पहलवान को। गाजियाबाद में बुजुर्ग की मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। पुलिस ने कल दिल्ली से किया था गिरफ्तार। गाजियाबाद कांड में बड़ा खुलासा। पूछताछ में सपा नेता उम्मीद पहलवान ने सभी आरोपों को कबूला। बोला सांप्रदायिक रंग देने के लिए मिला पार्षद का भी साथ। मामले में राजनीतिक लाभ की पूरी कोशिश। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेरहमी से हुई पिटाई। सोसाइटी में कुत्तों को टहलाने को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर पंचायत में दो पक्ष आपस में भिड़े। महिला पर हमला बोला। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जौनपुर में जमीन के विवाद में गदर हुआ। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में बेटों ने
पिता को लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला, जायदाद के बंटवारे को लेकर की हत्या, पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोरोना काल में ब्लैक फंगस की नकली और एक्सपायर हो चुकी दवाइयां बेचे जा रहे ग्रोह का खुलासा किया है। नकली दवाई बेचने के आरोप में पुलिस ने दो डॉक्टर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में 3 दिन पहले सड़क हादसे में हुई शख्स की मौत में अब नया मोड़ सामने आया है। मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, पत्नी और अपने ससुराल के लोगों को बताया मौत का जिम्मेदार। मथुरा में गोली लगने से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस जख्मी को अस्पताल ले जाने की जगह उससे कई मिनटों तक पूछताछ करती रही। शाहजहांपुर के निगोही थाने में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, खुद पर पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश, रोकने पर पुलिसकर्मियों से की हाथापाई। शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। लखीमपुर में पत्नी ने मारपीट से परेशान होकर पति के अवैध धंधे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी के घर से लगभग 5 किलो अफीम बरामद की, आरोपी और उसके साथी को जेल भेजा।